गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट मेगर। आज मेगर के बारे में बात करेंगे, जिसका कि बहुत उपयोग होता है टेस्टिंग में, इंसुलेशन मशीन, वायर की कंटिन्यूटी, ये सब टेस्टिंग में करते हैं। मेगर जो है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाई रेजिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेगर। मेगर जो है कहाँ से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेजर करने में यूज होता है और बहुत हाई रेजिस्टेंस मेजर करने में यूज होता है। हाई रेजिस्टेंस कितना, मेगा ओम के रेंज में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मेगर। दिस इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स रेजिस्टेंस इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेगर। ये पोर्टेबल होता है, टेस्टिंग जहाँ भी हम करते हैं यहाँ उसको, ये इसमें जो हैंडल लगे हैं इनको ले करके हाथ में ऐसे उठा के चले जा सकते हैं। 2 से 3 किलो ऐसे वेट होता है, मैक्सिमम 5 किलो, तो ये आप इसको टेस्टिंग के स्थान पर ले जा सकते हैं। जहाँ भी आपको टेस्टिंग करनी है, जहाँ भी आपको मेजरमेंट करनी है, वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल का मतलब है कि इसको आप कैरी कर सकते हैं बैग में या अपने साथ, इसीलिए ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको इसीलिए बोलते हैं पोर्टेबल है। और जहाँ भी हम यूज़ करना चाहते हैं इसको ले जाते हैं। ये एक हैंड ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपने अर्थ टेस्टर पढ़ा था वैसे इसमें भी हैंड ड्रिवन जनरेटर है, हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है इसमें भी। और इसका काम क्या होता है, टेस्टिंग के दौरान हमको वोल्टेज चाहिए होगा लगभग 500 वोल्ट डीसी, वो डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे इससे, तो ये हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर इसमें लगा रहता है इसके अंदर। जब इसको हम रोटेट कराते हैं हैंडल पकड़ के लगभग 200 से 300 आरपीएम के आसपास, तो इसमें जनरेट होता है लगभग 500 वोल्ट डीसी। ये डीसी वोल्टेज हम टेस्टिंग के समय यूज करते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, और जब तक टेस्टिंग जारी रहती है इस हैंडल को चलाते रहना पड़ता है, ये हैंडल को रोटेट करना पड़ता है लगभग 200 आरपीएम पे। इसीलिए सामान्यतः इसके उपयोग में 2 ऑब्जर्वर या 2 ऑपरेटर रहता है तो आसानी से हो जाता है। सिंगल ऑपरेटर अगर रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी कि उसको हैंडल भी चलाना पड़ेगा और ये टर्मिनल भी जोड़ना पड़ेगा और रीडिंग भी देखनी पड़ेगी, वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा सुविधा हो, आसानी रहे, इसके लिए 2 ऑब्जर्वर रहेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। एक होगा जो हैंडल ड्राइव करेगा और कनेक्शन लेके, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा यहाँ पे कनेक्शन मिला करके, कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिला करके यहाँ पे रीडिंग लेगा। इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये मेगर। ये स्केल पे सीधे वैल्यू को पॉइंटर के माध्यम से इंडिकेट कर देता है, और ये मेगा ओम रेंज में रेजिस्टेंस जनरली मेजर करने में यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है मेगर। बहुत से शेप साइज के ये बनाए जाते हैं, देखिए ये भी मेगर है, ये है, इसमें जनरली एक होता है ई टर्मिनल, एक एल टर्मिनल और एक गार्ड होता है, तो जो गार्ड होता है ये टर्मिनल भी होता है इसमें, ये इसमें देखिए स्केल है, ये दोनों में ये हैंडल है जिससे हम रोटेट करेंगे, जिसकी बात अभी हमने किया था। ये देख लीजिए अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है, इसको रोटेट करना पड़ेगा यूज करते समय, टेस्टिंग करते समय। ये स्केल है, यहाँ पॉइंटर मूव करेगा, इस पे स्केल के ऊपर पॉइंटर मूव करेगा, आप उस वैल्यू को रीड करेंगे। ये अलग टाइप का देखिए मेगर है, ये मूव करेगा पॉइंटर इस स्केल के ऊपर। तो इसका आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अभी आपने इसको बाहर से देखा, इसका अपीयरेंस कैसा होता है बाहर से आपने देख लिया है, अंदर की संरचना क्या है इसके,
व्हाट इज देयर इनसाइड दिस मिरर, आप इसको अंदर से देख लीजिए। इसका जो सब कुछ है, फंक्शनिंग है, शेप साइज है, अर्थ टेस्टर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अर्थ टेस्टर आपने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्टली मिलता तो नहीं है, लेकिन काफ़ी समानताएं होती हैं। तो इसको हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये होता है एक परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होता है। और इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर को रोटेट करते हैं, और आर्मेचर को रोटेट करने के लिए हम प्राइम मूवर का सहारा नहीं लेते हैं। ये प्राइम मूवर होता है हैंडल जिसको हम घुमाते हैं, यही प्राइम मूवर होता है। तो यहाँ एक होता है हैंडल, इस हैंडल को हम क्या करते हैं, इस हैंडल को यहाँ से हम रोटेट करते हैं हाथ से मैनुअली, हैंडल को रोटेट करते हैं। तो ये हैंडल इसको जनरेटर के आर्मेचर को रोटेट करता है। बहुत छोटा सा होता है साइज में, वेरी स्मॉल साइज, ऐसा नहीं है कि आप इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे या इसको रोटेट करने में बड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर है। परमानेंट मैग्नेट देखिए, ये पोल लगा हुआ है, नॉर्थ साउथ, ये स्थिर रहेंगे पोल, दे आर नॉट मूवेबल, दे आर फिक्स्ड। इसी स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में इसी के अंदर आर्मेचर, ये अंदर की संरचना है, इसके अंदर मेगर के अंदर है ये सब, बाहर से हैंडल दिख रहा है, ये हैंडल जाता है, ये जुड़ा रहता है आर्मेचर के साथ में। आप हैंडल घुमाते हैं, आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर में कंडक्टर्स होते हैं, आप जानते हैं डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है। इट इज़ लाइक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर है ये। और फर्क ये है कि इसमें प्राइम मूवर हाथ रहेगा, हैंड ड्रिवन है। ये आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, कॉपर के क्वाइल होती हैं, तार होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। और ये होता है कार्बन ब्रश, आप जानते हैं कि कार्बन ब्रश लगता है डीसी जनरेटर में। और यहाँ कम्यूटेटर भी होगा, आपको दिखाया नहीं जा रहा है। तो इसको रोटेट करेंगे तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से ये कंडक्टर्स जो हैं घूमेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, तो उनको कट करेंगी ये कंडक्टर्स। तो इन कंडक्टर्स में, इन चालकों में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जो एसी होगा उसको कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और वो डीसी में जो सप्लाई होगी यहाँ कार्बन ब्रश पे मिल जाएगी, एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसका काम है कि लगभग 500 वोल्ट डीसी जनरेट करना है हमको। 500 वोल्ट डीसी क्यों जनरेट करना है, क्योंकि 500 वोल्ट डीसी की ज़रूरत हमको यहाँ पड़ेगी टेस्टिंग के टाइम पे। द टाइम ऑफ टेस्टिंग वी नीड अप्रॉक्सीमेटली 500 वोल्ट इन ऑर्डर टू ऑपरेट दीज टू क्वाइल्स, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो टेस्टिंग में हमको सप्लाई चाहिए होता है, इसीलिए इसकी ज़रूरत यही है। तो इसका यही इतना काम है और कोई काम नहीं है। तो इसको घुमाएंगे कब घुमाएंगे, जब टेस्टिंग करना होगा, अन्यथा नहीं घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे तो वोल्टेज यहाँ पैदा होगा, नहीं घुमाएंगे तो यहाँ वोल्टेज पैदा नहीं होगा। कहाँ वोल्टेज पैदा होगा, 1 और 2 के बीच में वोल्टेज पैदा होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये घुमाएंगे तब ऐसा पैदा होगा। ये परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का यही काम है। तो ये इतना कर देगा। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से दोबारा एक फिर और परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। ये तो ऑपरेट करने के लिए, मैगर के ऑपरेशन में ये यूज होगा। यहाँ जो मैग्नेट यूज किया गया है, इसका मैगर के ऑपरेशन में कोई रोल नहीं है, इसका काम है केवल वोल्टेज जनरेट करना। यहाँ हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मैग्नेट पैदा हुआ है, लगाया है हमने नॉर्थ साउथ, ये परमानेंट मैग्नेट, ये वोल्टेज जनरेट करने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि इसमें स्पिंडल, इसमें क्वाइल, इसमें पॉइंटर, उसको मूव कराने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पे, ये आपने पढ़ा होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप की व्यवस्था यहाँ पे है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप अरेंजमेंट है यहाँ पे, मूविंग क्वाइल। तो यहाँ पे देखिए, परमानेंट मैग्नेट रखा है नॉर्थ और साउथ, इसके फील्ड में क्वाइल मूव करेगी। तो नॉर्थ से साउथ के बीच में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ,
और ये लाइनें फिक्स हैं, ये मैग्नेट भी फिक्स है, ये स्टैटिक है, ये घूमता नहीं है। इसी के अंदर यहाँ पे सेंटर भाग में बीच में यहाँ पे रखा गया है स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि मूविंग सिस्टम जो है वो स्पिंडल पे ही होता है। एल्युमिनियम राड होती है, नीचे एक पिवोट होता है, जेवल्ड बियरिंग होती है, ऊपर भी पिवोट होता है जिससे कि ये पूरा घूम सके। स्पिंडल घूमता है, स्पिंडल के साथ में ये लगा हुआ है पॉइंटर। पॉइंटर क्यों लगा हुआ है आप जानते हैं कि पॉइंटर स्पिंडल के साथ मूव करता है तो वैल्यू को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द वैल्यू। वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, यही पॉइंटर इंडिकेट करेगा। तो ये भी स्पिंडल के साथ में जुड़ा हुआ है और मूव करता है। इसी स्पिंडल पे दो कुंडलियां रखी होती हैं, क्वाइल। क्वाइल मूव करती हैं, इसीलिए इसको मूविंग क्वाइल बोलते हैं, मूविंग क्वाइल। तो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ये क्वाइल मूव करती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। तो ये व्यवस्था आपने पहले भी पढ़ा है, अमीटर वोल्टमीटर भी इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दो क्वाइल हैं, एक क्वाइल जो है ये है क्वाइल वन और ये है क्वाइल टू। दो क्वाइल हैं, इनमें से किसी को भी वन कह सकते हैं, किसी को भी टू कह सकते हैं, लेकिन ये जो टू क्वाइल होती है इसको बोलते हैं करंट क्वाइल, करंट क्वाइल। और जो ये वन क्वाइल है इसको बोलते हैं प्रेशर क्वाइल या पोटेंशियल क्वाइल। पोटेंशियल क्वाइल भी कह सकते हैं, इसको प्रेशर क्वाइल भी कह सकते हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो करंट क्वाइल जो है इसकी विशेषता क्या होती है, आप जो पढ़ चुके हैं कि करंट क्वाइल जैसी विशेषताएं होती हैं, जिनमें जो विशेषताएं करंट क्वाइल में होती हैं जो आप पहले पढ़े हैं, लगभग वही विशेषताएं यहाँ भी होती हैं। तो करंट क्वाइल जो होता है इसका रेजिस्टेंस जो है लेस होता है, लेस रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल क्वाइल जो होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज हाई। ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका पोटेंशियल क्वाइल का, और करंट क्वाइल का रेजिस्टेंस जो है कम होता है। तो ये करंट क्वाइल देखिए और पोटेंशियल क्वाइल, दोनों क्वाइल एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पे रखी हुई हैं, 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स हैं। तो देख लीजिए कि ये जो करंट क्वाइल है और दूसरा जो पोटेंशियल क्वाइल है, दोनों क्वाइल एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, दे आर एग्जैक्टली एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के कोण पे रखी हुई हैं दोनों कुंडलियां एक दूसरे से ऐसे ये, और इनके बीच में 90 डिग्री का अंतर हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पे फिक्स कर दी गई हैं। और ये स्पिंडल पे हैं, स्पिंडल मूव करेगा यदि ये क्वाइल मूव करेंगी, तो ये क्वाइल मूव करेंगी, अभी आगे आपको दिखेगा मूव करते हुए, इसीलिए इनका नाम है मूविंग क्वाइल। अब ये जो करंट क्वाइल है देखिए, जिसको हमने नाम दिया है क्वाइल टू, ये क्वाइल में जो कनेक्शन दिया गया है देखिए, एक टर्मिनल यहाँ दिया गया है इसका और दूसरा टर्मिनल देखिए इस क्वाइल का, यहाँ से करंट इंटर करेगी, इस क्वाइल में बहेगी। देखिए जब इसमें करंट बहेगी तो करंट कैसे बहेगी, इस तरह से बहेगी, इधर से जाएगी ऐसे, और यहाँ से निकलेगी करंट ये ऐसे। ये करंट का जो पाथ होगा एक्चुअल में इसके उल्टा होगा, क्योंकि ऊपर प्लस मिल रहा है तो करंट का पाथ इधर से होगा ऐसे। तो करंट का पाथ ये होगा, करंट ऐसे इधर से ऊपर जाएगी इधर से और नीचे से इधर से इधर, ये करंट का पाथ इधर से है। तो यहाँ से करंट इधर जाएगी, इसमें इंटर करेगी, इस रेजिस्टेंस से होते हुए करंट क्वाइल में जाएगी करंट, अगर इसको करंट को मार्ग मिलेगा तब। तो ये जो रेजिस्टेंस आर डैश लगा है, ये आर डैश क्यों लगा है, ये है करंट लिमिटिंग रजिस्टर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। इसका काम है कि करंट क्वाइल में करंट जो है लिमिट से अधिक ना चली जाए किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, अन्यथा करंट क्वाइल जल सकती है। इसलिए ये रेजिस्टेंस आर डैश इसके सीरीज में लगाया गया है, जिससे कि ये क्वाइल जले ना और करंट लिमिट में रहे, सेफ लिमिट में। सो वी हैव कनेक्टेड वन रेजिस्टेंस आर डैश इन सीरीज विथ करंट क्वाइल।
इसी प्रकार से देखिए पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन कहाँ किया गया है। पोटेंशियल कॉइल का देखिए सिरा ये है और ये है, तो यहाँ से करंट इंटर करेगी, इधर से आएगी, धन सिरा ये है प्लस, यहाँ से आएगी और पोटेंशियल कॉइल में किस तरह बहेगी, इस तरह से ऐसे बहेगी इधर से, यहाँ से फिर निकलेगी इधर से होके ऐसे जाएगी, इधर से ये वापस हो जाएगी इधर से माइनस में, इस तरह से पोटेंशियल कॉइल में करंट बहेगी। अब पोटेंशियल कॉइल में जो करंट बहेगी उसकी करंट भी लिमिट में रखने के लिए हमने यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगाया हुआ है R, ये भी करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। अगर इसका मान कम रहेगा तो ये क्या होगा, पोटेंशियल कॉइल जल सकती है, इसमें जाने वाली करंट जो है सेफ लिमिट से अधिक हो सकती है, इसलिए पोटेंशियल कॉइल जो है उसकी करंट को लिमिट करने के लिए उसके भी सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया गया है जिससे कि करंट सेफ लिमिट में रहे। तो अब यहाँ दो कॉइल हैं, एक करंट कॉइल जिसको हमने कहा 2, दूसरा पोटेंशियल कॉइल जिसको हमने कहा 1। दोनों कॉइल में जब करंट का प्रवाह होगा तो क्या होगा, दोनों कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि करंट कॉइल में अगर करंट बहेगी इस दिशा में, हम ऐसे करंट बहाएंगे कि इस दिशा में बहे, तो इधर बनेगा, इस सिरे पे बनेगा नॉर्थ पोल और इस सिरे पे बनेगा साउथ पोल। उसकी अक्ष क्या होगी, उसकी अक्ष ये होगी ऐसे। आप जानते हैं कि किसी कुंडली में जब करंट का प्रवाह होता है तो कुंडली के अक्ष पे चुंबकत्व पैदा हो जाता है, तो चुंबकत्व जो पैदा होगा उसकी अक्ष क्या होगी, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ, ऐसा हम बनाएंगे। तो इसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी हमको, इसके लिए हमको करंट की डायरेक्शन, अगर ये करंट की डायरेक्शन कर देंगे ऊपर की तरफ तो ये नॉर्थ बनेगा यहाँ पे और नीचे बनेगा साउथ, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको इसके ऑपरेशन के लिए साउथ चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए नॉर्थ। तो हम इसका कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे कि करंट कॉइल में जो करंट है उसकी डायरेक्शन उस तरह ना रहे, इधर को रहे, नीचे की तरफ रहे, ऐसे करंट आए, इधर से आए और घूम के इधर से उतरे और यहाँ से निकल जाए ऐसे, ये तो उधर साउथ बनेगा और इधर नॉर्थ बनेगा। ऐसा कब होगा, जब इसमें करंट प्रवाहित होगी, ध्यान रहे, व्हेन देयर इज करंट इन द करंट कॉइल इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एक्सिस इज साउथ हेयर एंड नॉर्थ हेयर, इस तरह से बनेगा। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉइल है लेकिन ये एक्सिस तब बनेगी, ये फील्ड तब बनेगा, ध्यान रहे, जब करंट बहेगी। दूसरा है पोटेंशियल कॉइल, देखिए पोटेंशियल कॉइल जिसको हमने कॉइल नंबर 1 कहा था, उस देर के लिए नॉर्थ साउथ भूल जाइए, अभी मान लीजिए करंट नहीं बह रही है, अभी हम इस कॉइल के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरी है पोटेंशियल कॉइल, पोटेंशियल कॉइल में भी करंट बहेगी ऐसे, तो पोटेंशियल कॉइल में देखिए जो फील्ड बनेगा उसकी अक्ष क्या होगी, उसकी अक्ष ऐसे होगी, उसकी अक्ष क्या होगी, पोटेंशियल कॉइल के फील्ड की अक्ष क्या होगी, पोटेंशियल कॉइल ऐसे रखी हुई है इस दिशा में, तो इस पे जो फील्ड बनेगा इसका अच्छा ऐसे होगा, ऐसा ऐसा अच्छा होगा, तो पोटेंशियल कॉइल का अच्छा ऐसा होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे कि यहाँ साउथ बने और यहाँ पे नॉर्थ बने, हम ऐसा करंट की डायरेक्शन इसमें करेंगे कि इधर साउथ बने और इधर नॉर्थ बने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन इसमें ये बहे, ये ऐसे ऐसे, तो इस किधर नॉर्थ बनेगा किधर साउथ बनेगा आप निकाल के देख लीजिए, अगर ऐसा बहेगा तो यहाँ साउथ बनेगा यहाँ नॉर्थ बनेगा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं ऊपर साउथ बने नीचे नॉर्थ। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या करेंगे, इसमें इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है, हम ये करंट की डायरेक्शन करेंगे इधर की तरफ, ऐसा करंट जो है यहाँ से नीचे से आए और ऊपर से आए, इधर से बहते हुए करंट जाए और इधर से उतर के नीचे से यहाँ से चली जाए। तो यहाँ साउथ बनाएंगे हम ऊपर साइड में, नॉर्थ बनाएंगे नीचे साइड में, ऐसी करंट का डायरेक्शन रखेंगे, ऐसा कनेक्शन करेंगे पोटेंशियल कॉइल में कि ऐसा बने, ये ऐसा हो गया। अब ये आगे क्या होगा इसके बारे में अभी वर्किंग के टाइम पर डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम टेस्टिंग करना है, हमको जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है वो कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, यहाँ है टेस्टिंग टर्मिनल T1 और T2, इन्हीं के बीच में हम उस रेजिस्टेंस को लगाएंगे
जिसका मान हमको निकालना है, ज्ञात करना है या जिस टर्मिनल की टेस्टिंग करनी है। ये है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। अब इन दोनों क्वाइल पे जो है टार्क जब लगेगा तो ये क्वाइल मूव करेंगी, और जिस दिशा में ये क्वाइल मूव करेंगी उसी दिशा के अकॉर्डिंग ये पॉइंटर मूव करेगा, या तो इधर जाएगा पॉइंटर या इधर जाएगा पॉइंटर। किधर जाएगा पॉइंटर ये डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाइल जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। जिस क्वाइल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उसका फील्ड जो है ये मैग्नेट के फील्ड की तरफ अपने आप को अलाइन करेगा। जैसे इसका नॉर्थ जो है इधर आने की कोशिश करेगा और साउथ इधर, कब? जब ये फील्ड स्ट्रांग होगा। इसका नॉर्थ जो है इधर आने का प्रयास करेगा और साउथ इधर जाने का प्रयास करेगा, ऐसा कब होगा? जब इसका फील्ड स्ट्रांग होगा। तो किसका फील्ड स्ट्रांग है ये डिपेंड करेगा करंट के ऊपर, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, जो हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे जिसकी टेस्टिंग करनी है। तो वर्किंग के लिए हम फिर से वापस चल रहे हैं। अब हम वर्किंग डिस्कस करने जा रहे हैं। डायग्राम वही है सेम। वर्किंग कैसे होती है इस डायग्राम में हम फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी में वर्किंग, क्योंकि हमने बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इस समय आप क्या डिस्कस करने वाले हैं? वर्किंग डिस्कस करने वाले हैं। हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है ये आपको समझना चाहिए। अब तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया है, इसके डिफरेंट पार्ट समझ में आ गए हैं। अब क्या करेंगे हम इससे यूज़ करेंगे, कैसे वर्क कराते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं। ये देखिए T1 और T2 के बीच में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, जिसको हमको नापना है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात रेजिस्टेंस है, यही कनेक्ट करेंगे हम उसको। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑपरेट करता है। हमने बताया जब टेस्टिंग करेंगे तो आपको हैंडल को रोटेट कराना पड़ेगा। बिना हैंडल को रोटेट कराए हुए यहाँ वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, और वोल्टेज नहीं जनरेट होगा तो टेस्टिंग भी नहीं होगी। इसलिए पूरे टेस्टिंग के दौरान आपको ये मेगर को हैंडल ऑपरेट करना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेस्टिंग टर्मिनल पे लगा दिया, जहाँ भी अननोन रेजिस्टेंस हमको मीजर करना है। देखिए रेजिस्टेंस जो होगा या तो उसका मान जीरो होगा या उसका मान इनफाइनाइट होगा अथवा उसका मान इनके बीच में होगा, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हम दोनों एक्सट्रीम केस पहले डिस्कस करेंगे। जीरो होगा तो कैसे बिहेव करेगा इंस्ट्रूमेंट, इनफाइनाइट होगा तो कैसे बिहेव करेगा, और बीच में होगा रेजिस्टेंस तो कैसे बिहेव करेगा। मान लीजिए किलो ओम में है, मेगा ओम में है, तो कैसे बिहेव करेगा। तो ये हम पहले जीरो और इनफाइनाइट देखते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, और जीरो रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा। मान लीजिए T1 और T2 के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब आप जानते हैं कि ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट, या कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल करंट, नो करंट, I=0। तो यहाँ T1 और T2 के बीच में करंट जीरो होगी। यहाँ जीरो है मतलब ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, R इज इनफाइनाइट। तो इधर से जो करंट आएगी I का मान होगा जीरो, कोई करंट बह नहीं पाएगी इधर। तो ये कंडीशन है, अज्यूम करिए कि ऐसी सिचुएशन है 1। तो क्या करेंगे, टर्मिनल T1 T2 को लगा दिया, रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट है वहाँ लगा दिया, हैंडल को ऑपरेट करेंगे, लगभग 200 RPM पे चलाएंगे, 200 से 300 RPM पे, 500 वोल्ट लगभग DC जनरेट होगा, यहाँ पे प्लस जनरेट होगा, यहाँ पे माइनस, ये जनरेट होके वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा कहाँ पे, मेगर के इसमें क्वाइल में ऑपरेट, जहाँ हमको ऑपरेट कराना है उसको। ये 500 वोल्ट यहाँ आ गया, 500 वोल्ट का प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस वोल्ट है, यहाँ पे माइनस वोल्ट है, ये अप्लाई हो जाएगा क्वाइल में, दोनों क्वाइल में। देखिए हमने अभी बताया था दोनों क्वाइल में वोल्टेज क्वाइल को तो प्लस मिल जाएगा, माइनस भी मिल जाएगा। देखिए वोल्टेज क्वाइल को प्लस भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्वाइल जो है उसका मार्ग देखिए बड़ा सिंपल है, सीधा है, ये है मार्ग उसका, इधर से आएगी करंट, इधर से आएगी करंट, इधर से आएगी, ये आ गई नीचे। तो वोल्टेज क्वाइल को तो करंट का पाथ मिल रहा है, इसलिए करंट बहने लगेगी वोल्टेज क्वाइल में, और वोल्टेज क्वाइल क्या करेगा, हमने बताया था अपना फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, इधर साउथ बना लेगा और यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा इस साइड में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे रखेंगे कि ऊपर साउथ बने, नीचे नॉर्थ। ये तो बन गया, वोल्टेज क्वाइल ने बना लिया अपना, साउथ ऊपर बना लिया, नॉर्थ नीचे बना लिया इधर। ये पोटेंशियल क्वाइल ये है 1, उसका फील्ड ऐसे बनेगा उसकी अच्छे पे।
दूसरा करंट कॉइल है टू, इस करंट कॉइल में करंट नहीं बहेगी, क्यों? क्योंकि धन वाला टर्मिनल जो यहाँ पे है, प्लस वाला टर्मिनल यहाँ पे है, इसका यहाँ से पाथ ब्रेक हो रहा है, पाथ ब्रेक हो रहा है तो करंट नहीं बहेगी इधर। तो माइनस तो इसको मिल रहा है, करंट कॉइल को माइनस मिल रहा है यहाँ से, माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है अवेलेबल है, लेकिन प्लस अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस मिल नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे करंट होगी जीरो। तो करंट कॉइल की करंट कितनी होगी? जीरो, नो करंट इन दी करंट कॉइल। तो करंट कॉइल में अगर कोई करंट नहीं होगी तो कौन सी है करंट कॉइल? अभी हमने बताया ये है करंट कॉइल, ये टू। तो करंट कॉइल का फील्ड किधर बनना था? करंट कॉइल का फील्ड ऐसे बनना था, ऐसे इधर नॉर्थ बनना था, ऊपर साउथ, यहाँ साउथ बनना है, नीचे नॉर्थ बनना है। लेकिन कब बनना है? जब करंट बहेगी। इस समय तो करंट नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट नहीं है, कोई पाथ नहीं मिल रहा है करंट को, प्लस अवेलेबल नहीं है करंट कॉइल को, केवल माइनस अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोई फील्ड पैदा नहीं होगा। करंट कॉइल के कारण कोई फील्ड नहीं होगा, केवल फील्ड किसकी वजह से होगा? पोटेंशियल कॉइल की वजह से होगा, उसका साउथ ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा, नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर। करंट कॉइल में कोई फील्ड नहीं है क्योंकि उसमें करंट नहीं है। कब? जब आर का मान इनफाइनाइट होगा। अब इस कंडीशन में क्या है, ये फील्ड जो है इसका साउथ, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और इसका नॉर्थ अट्रैक्ट होगा इधर साउथ की तरफ। तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये पूरा भाग मूव करेगा इधर, ये इधर, तो ये हो जाएगा अलाइन इस दिशा में, ऐसे ऐसे ऐसे। ये साउथ यहाँ चला जाएगा और ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, इस सीध में आ जाएगा, दोनों की अच्छे एकदम सीध में हो जाएगी। तो ये क्वाइल घूम करके यहाँ आ जाएगी इस सीध में, ये घूम के यहाँ आ जाएगा इस सीध में, ऐसे ये इधर जाएगा घूम के, ये जाएगा इधर इस सीध में। तो पॉइंटर किधर जाएगा? इस समय पॉइंटर फिर घूम करके जाएगा यहाँ पे और इंडिकेट कर देगा कि आर का मान है इनफाइनाइट ओम। इस तरह से वैल्यू आपको इंडिकेट कर देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यहाँ पे या ओपन सर्किट है, ये आपको पता चल जाएगा। ये इस तरह से ऑपरेट करता है जब रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट होगा। इससे बहुत सी बातें आप निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो सकता है आप कह सकते हैं, या डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इंसुलेशन है इनके बीच में, T1 T2 के बीच में इंसुलेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि T1 T2 आपस में ब्रेक हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि T1 T2 जुड़े नहीं हैं। तो आपको बहुत से कामों में ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, दो तार अगर आपस में जुड़े नहीं हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस आएगा इनफाइनाइट, कोई केबल में इंसुलेशन है अगर तो इनफाइनाइट आएगा, दो फेज आपस में इंसुलेटेड हैं तो आर का मान इनफाइनाइट आएगा, दो बिंदु आपस में अगर ब्रेक हो रहे हैं तो इनफाइनाइट आएगा, कोई तार टूटा हुआ है अंदर से तो इनफाइनाइट आएगा, कोई केबल अंदर से टूटी है तो आर का मान इनफाइनाइट आएगा। ये सब बहुत सी बातें आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन आप अज्यूम करिए, हमने बताया था दो कंडीशन में एक्सट्रीम कंडीशन। अगली कंडीशन है, मान लीजिए आर का मान जीरो, आर का मान जीरो का मतलब है कि ये दोनों बिंदु आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, जुड़े हुए हैं, तो रेजिस्टेंस जीरो आएगा। जीरो आएगा तो यहाँ जो करंट है उसका मार्ग मिल गया, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये प्लस यहाँ आ रहा है, यहाँ आएगा करंट, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, करंट कॉइल में बहेगी और इधर से चली जाएगी। तो हमने बताया था दो फील्ड बन रहा है, ये फील्ड तो बनेगा ही, ये वाला फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। कौन सा वाला फील्ड? पोटेंशियल कॉइल वाला फील्ड, ये पोटेंशियल कॉइल के कारण जो फील्ड बन रहा है ये बन रहा है, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ, नीचे नॉर्थ ऊपर साउथ, ये तो बनेगा ही। रेजिस्टेंस का मान कुछ भी हो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, रेजिस्टेंस जीरो हो, इसीलिए इसको पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो फील्ड है ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। आपने जैसे ही चलाया मेगर को, 500 वोल्ट जनरेट हुआ, तुरंत इसका फील्ड बनने लगेगा, चाहे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो या ना हो। लेकिन जो इसका फील्ड है करंट कॉइल का, करंट कॉइल का फील्ड कैसा बनता है? ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ साउथ। ये कब बनेगा? जब इसमें करंट बहेगी, और ज़्यादा बहेगी तो स्ट्रांग बनेगा, कम बहेगी तो कमज़ोर बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा करंट पे, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट कॉइल। तो देखिए इस बार दोनों बनेंगे और ये बहुत स्ट्रांग बनेगा करंट कॉइल का फील्ड, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, आर इज जीरो,
आर इज जीरो तो इसमें करंट बहुत हैवी बहेगी, और एक फर्क होता है, और एक फर्क होता है पोटेंशियल कॉइल के रेजिस्टेंस में और करंट कॉइल के रेजिस्टेंस में। हमने दो रेजिस्टेंस लगाए हैं आर और आर डैश। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आर डैश जो है बहुत कम होता है, आर डैश इज मच 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 लेस देन आर। पोटेंशियल कॉइल में जो रेजिस्टेंस है उसकी तुलना में करंट कॉइल में जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस जिसका बहुत कम होगा करंट उधर बहुत ज़्यादा होगी। तो जाहिर है कि यहाँ जब शॉर्ट सर्किट होगा या जीरो रेजिस्टेंस होगा तो उस समय पोटेंशियल कॉइल की जो करंट है, मान लीजिए इसकी करंट है I2 या I1 कह लीजिए, तो इसकी करंट है I2, तो I2 का मान जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। I2 इज मच ग्रेटर देन I1। क्यों? करंट कॉइल में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, कम है, पोटेंशियल कॉइल में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिधर रेजिस्टेंस कम रहेगा उधर करंट ज़्यादा जाएगी, बहुत सिंपल। तो I2 जो है बहुत ज़्यादा होगी, तो ये करंट कॉइल की करंट बहुत ज़्यादा होगी। तो इस बार दोनों फील्ड बनेंगे, करंट कॉइल का फील्ड ऐसे बनेगा, करंट कॉइल का फील्ड ऐसे बनेगा, पोटेंशियल कॉइल का फील्ड ऐसा बनेगा, ऐसा। ये मान लीजिए इसको 1, इसको मान लीजिए 2, दोनों फील्ड इस बार बनेंगे। लेकिन कौन सा फील्ड स्ट्रांग है? मैंने बताया जो करंट कॉइल में करंट है ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस है कम है, पोटेंशियल कॉइल के सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट कॉइल में जो करंट होगी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल कॉइल की करंट कम होगी। तो जिसकी करंट ज़्यादा होगी उसका फील्ड भी स्ट्रांग होगा। तो कौन सा फील्ड स्ट्रांग होगा? ये वाला, ये फील्ड स्ट्रांग है 2। ये जो 2 फील्ड है स्ट्रांग है, 1 फील्ड जो है वीक है, दिस इज वीक, वीक है, वीक है मतलब इतना वीक है कि इसकी तुलना में नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, इसको भूल जाइए, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो कौन सा याद करेंगे? ये बहुत तगड़ा है उसकी तुलना में। तो क्या होगा इस बार? ये अपने को अलाइन करेगा इसकी दिशा में, ये साउथ जाएगा इसके सीध में, ये नॉर्थ जाएगा इस साउथ के सीध में। तो ये कॉइल भाग के जाएगी इधर सेंटर पे, और ये कॉइल, ये जो इसका ये सिरा है, ये भाग के आएगा यहाँ सेंटर पे, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो स्पिंडल पे एक टार्क डेवलप होगा इस दिशा में, स्पिंडल इस दिशा में आएगा, और ये इसको यहाँ पे जब सेंटर पे आ जाएगा तो पॉइंटर जहाँ भी रुकेगा उसको मार्क कर लेंगे 0। तो यहाँ 0 रेजिस्टेंस पे आ जाएगा पॉइंटर, 0 वैल्यू को इंडिकेट करेगा, पॉइंटर 0 वैल्यू को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस 0 का मतलब आप कई चीज़ें बता सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं, दोनों बिंदु जुड़े हैं आपस में, या कह सकते हैं कि ये दोनों कंटिन्यूस हैं, या कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक, या कह सकते हैं कि दोनों तार जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ये सारे इसके मतलब हैं। ये तो यहाँ आ जाएगा पॉइंटर 0 पे, और ये कॉइल आ जाएगी इस सीध में, ये चला जाएगा इस सीध में। अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए 0 ना हो, इनफाइनाइट भी ना हो, कुछ वैल्यू हो, मेगा ओम में हो या किलो ओम में हो, मेगा ओम में हो, तो जो भी करंट होगी, उस जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये I2 होगी करंट, और जो भी करंट होगी उसके अकॉर्डिंग अब दो फील्ड बनेंगे, एक तो पोटेंशियल कॉइल का फील्ड है साउथ नॉर्थ, और एक करंट कॉइल का फील्ड है नॉर्थ और इधर साउथ, उधर साउथ है, नीचे नॉर्थ, ये इधर नॉर्थ, यहाँ साउथ। आप देखिए, अब दोनों अगर फील्ड पैदा हो रहे हैं तो डिपेंड करेंगे कौन सा फील्ड स्ट्रांग है। अब ये कौन सा फील्ड स्ट्रांग होगा ये डिपेंड करेगा इस करंट के मान पे, I2 के मान पे, करंट कॉइल की करंट के मान पे डिपेंड करेगा, और करंट कॉइल की करंट का मान किस पे डिपेंड करेगा? इस रेजिस्टेंस के मान पे डिपेंड करेगा R। तो ये रेजिस्टेंस जो है अधिक होगा तो ये करंट कम होगी, ये करंट कम होगी तो ये फील्ड स्ट्रांग होगा, ये ज़्यादा इधर जाएगा तो पॉइंटर ज़्यादा इनफाइनाइट के पास रहेगा, और अगर ये रेजिस्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा? करंट कॉइल में करंट ज़्यादा हो जाएगी, करंट कॉइल का फील्ड जो है ये वाला फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा इधर की तरफ, पोटेंशियल कॉइल वाला कम खींचेगा, ये कम जा पाएगा इधर, बल्कि ये ज़्यादा जाएगा, करंट कॉइल वाला ज़्यादा जाएगा, तो ये पॉइंटर भागेगा 0 की तरफ। तो कहाँ पॉइंटर बैलेंस होगा ये डिपेंड करेगा करंट रेजिस्टेंस के मान पे,
जो रेजिस्टेंस नाप रहे हैं उसके मान पे डिपेंड करेगा, और रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट कॉइल की करंट होगी, और करंट कॉइल की जो करंट होगी उसके हिसाब से ये जो फील्ड पैदा होगा उसका स्ट्रेंथ होगा, और ये जो फील्ड वीक होगा अगर, तो ये पॉइंटर भागेगा इनफाइनाइट की तरफ। ये फील्ड अगर स्ट्रांग होगा करंट कॉइल वाला ये वाला, तो पॉइंटर भागेगा जीरो की तरफ। तो ये फील्ड स्ट्रांग होगा मतलब रेजिस्टेंस कम की तरफ होगा। इफ आर इज लेस दिस फील्ड इज स्ट्रांग, एंड इफ दिस फील्ड इज स्ट्रांग पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स जीरो। इफ आर इज मोर दिस करंट इज लेस, एंड इफ दिस करंट इज लेस दिस फील्ड इज वीक, सो दिस पॉइंटर मूव्स टुवर्ड्स स्ट्रांगर फील्ड। इसकी तुलना में पोटेंशियल कॉइल का फील्ड स्ट्रांग है तो उधर की तरफ ये जो है इधर ज़्यादा जाएगा, पॉइंटर भी इधर ज़्यादा जाएगा। तो पोटेंशियल कॉइल का फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन करंट कॉइल का जो फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए ये पॉइंटर भी डिपेंड करेगा कहाँ रुकेगा, इधर रुकेगा। यहाँ मार्क कर लेते हैं, हम निशान बना लेते हैं, 100 1 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 100 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम, इनफाइनाइट इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वो ये इधर जाएगा, क्योंकि ये फील्ड ज़्यादा रहेगा, ये फील्ड वीक रहेगा, ये वीक होगा ये स्ट्रांग होगा। इस तरह से ये मेगर वर्क करता है। तो जहाँ भी रेजिस्टेंस जो भी होगा उसके मान के अकॉर्डिंग ये करंट होगी, और इस करंट के अकॉर्डिंग ये करंट कॉइल का फील्ड होगा, और ये जो फील्ड होगा इसी के हिसाब से ये बैलेंस होंगे, दोनों फील्ड बैलेंस होंगे। जहाँ भी बैलेंस होंगे वहीं पे ये पॉइंटर रुकेगा और वही वैल्यू को ये इंडिकेट कर देगा। इस तरह से मेगर जो है अपना काम करता है। ये हम वर्किंग समझा रहे थे, डिस्कस कर रहे थे वर्किंग। तो हम यहाँ टेस्टिंग करेंगे, जो रेजिस्टेंस नापना होगा कहाँ लगाएंगे, T1 T2 के बीच में लगाएंगे, और इसको ऑपरेट करेंगे, हैंडल को चलाएंगे, हाथ से इसको रोटेट कराएंगे, ये हाथ से घुमाएंगे इसको, ये तो ये इस तरह से टेस्टिंग करते हैं। ये तो था मैनुअल मेगर था, हैंड ड्रिवन। आजकल इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर आ गए हैं जिसमें नो हैंडल। इसमें हैंडल आपको दिख रहा है कहीं? नहीं। तो इसमें क्या यूज करते हैं? बैटरी यूज करते हैं, बैटरी। तो इसमें दो आदमी की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी भी पर्याप्त है मेजरमेंट के लिए, इसको घुमाना नहीं पड़ेगा, नो नीड टू रोटेट। इसमें सप्लाई की व्यवस्था रहती है। तो आजकल घुमाने वाले मेगर कम आते हैं, हैंड ड्रिवन ये भी मेगर आजकल यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको यूज करना आसान होता है, इसमें दो ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं है। इनको इलेक्ट्रॉनिक मेगर या ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर भी बोलते हैं, ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर। ये बहुत यूज हो रहे हैं, ये देख लीजिए बहुत से प्रकार के मेगर। ये हैंड ड्रिवन नहीं है, नो हैंडल, यहाँ पे कोई हैंडल नहीं है, कुछ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई दीजिए, टेस्टिंग करिए, सप्लाई अगर बैटरी नहीं है तो बाहर से दे दीजिए, टेस्टिंग करिए। ये बैटरी अगर इसमें है तो आपको सप्लाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब देखिए मेगर हैं, ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर या इलेक्ट्रॉनिक मेगर। तो ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर में और हैंड ड्रिवन मेगर में क्या अंतर है देख लीजिए, बहुत सिंपल, बहुत अंतर नहीं है। इधर का भाग सेम रहता है, भाग जो सप्लाई है, सप्लाई हमने जो बताया था वहाँ हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक थोड़ा सा डीसी सप्लाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए ये मेगर, ये सेम है, टेस्टिंग टर्मिनल T1 T2, यहाँ पे T1, यहाँ T2, ये T1 T2 हैं, बाकी सब सेम है, केवल ये जो व्यवस्था है सप्लाई देते हैं अलग से। ये हैंड ड्रिवन जनरेटर की जगह पे ये सप्लाई व्यवस्था अलग से है, इसी की वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, डायोड यूज होते हैं, थायरिस्टर यूज होते हैं, SCR यूज होते हैं, डायोड रजिस्टर, ये सब बहुत से इलेक्ट्रॉनिक और कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर। तो ये जो है ये भाग है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सप्लाई के लिए किया गया है ये भाग, तो इसी में यूज होता है ट्रांजिस्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर। देखिए ये मेगर है, मेगर जिसकी बारे में भी आपने खूब डिस्कस किया है, इसको सप्लाई चाहिए,
तो सप्लाई का एक व्यवस्था तो अभी हमने बताया था हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है। दूसरा सप्लाई की व्यवस्था ये होती है कि यहाँ क्या करते हैं, लगभग 5 वोल्ट डीसी ये लगा देते हैं बैटरी, ऐसे ये स्विच है, इसको क्या करते हैं एक इन्वर्टर लगाते हैं यहाँ पे, इसको डीसी को कन्वर्ट कर देते हैं एसी में, तो यहाँ मिल जाएगा आपको एसी। इस एसी को क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों लगाया, क्योंकि वोल्टेज को स्टेप अप करना है, इसको 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 स्टेप अप कर देंगे 600 से 700 वोल्ट एसी में, या 1000 वोल्ट एसी के आसपास लगभग। अब ये एसी का क्या करेंगे, हमको तो यहाँ डीसी चाहिए, लगभग 500 वोल्ट डीसी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको फिर लगाएंगे रेक्टिफायर में। कन्वर्टर इकाई क्या है, ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर होगा, इसमें फिल्टर भी होगा, वो क्या करेगा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ये इस एसी को क्या करेगा, इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ये 1000 वोल्ट या इससे कम होता है, 700-800 होगा, इसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा रेक्टिफायर, और उसको फिल्टर करके फिर यहाँ हम सप्लाई ले लेंगे, उसी को यूज करेंगे मेगर में। तो इसको ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर कहते हैं। इसमें आप देख लीजिए कोई हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर नहीं यूज किया गया है, ये आसान है, सुविधाजनक है, इसको आप कैरी कर सकते हैं, और वो वेट कम हो जाएगा, जो वेट उसमें जनरेटर में आपने वेट लगाया था उसकी तुलना में ये वेट कम रहेगा, और इसमें हैंडल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जनरली एक ऑपरेटर पर्याप्त रहेगा, वन ऑपरेटर इज सफिशियंट, तो एक ऑपरेटर से ही ये काम हो जाएगा, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसको ट्रांजिस्टराइज मेगर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्वर्टर जो है क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, तो इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर, डायोड है, ये सब यूज़ करते हैं, यहाँ पे थायरिस्टर, ये सब यूनिट्स यूज़ करते हैं, फिर क्या करेंगे ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ डायोड यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज करेंगे, रेक्टिफायर सर्किट बनाएंगे, उसमें फिल्टर लगाएंगे, तो फिल्टर करेंगे, तो इस पूरे उसमें प्रकरण में, पूरे प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स वगैरह, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड मेकर। तो इसमें सप्लाई बाहर से केवल एक छोटा सा डीसी बैटरी लगानी पड़ती है या डीसी सेल लगानी पड़ती है, इसमें कोई डीसी जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब एप्लीकेशन आप मेगर देख लीजिए, एप्लीकेशंस मेगर के एप्लीकेशंस क्या हैं, उपयोग अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पहला उपयोग तो है इंसुलेशन टेस्टिंग में करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंसुलेशन टेस्टिंग में, ये आप देखते हैं, ये इंसुलेटर्स यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, यहाँ से टावर जा रहा है, यहाँ से तार जा रहा है, तार वायर, और यहाँ खंबा होता है, खंबे के और वायर के बीच में इंसुलेटर लगे होते हैं, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ ना आ जाए इसलिए इंसुलेशन होना चाहिए यहाँ इनके बीच में। तो इंसुलेशन है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, इसको आप मेगर लगा के टेस्ट कर लीजिए, मेगर लगा के आप चलाएंगे, अगर रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट, इसका मतलब है कि ये इंसुलेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपको डाउट है कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से गड़बड़ है, तो आप यहाँ भी लगा के चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आया तो इसका मतलब यहाँ तक सही है, यहाँ भी लगा के देख लिया इनफाइनाइट आया तो यहाँ तक से, तो अगर जहाँ भी ब्रेक होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो इस तरह से, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना आकर के किलो ओम में आ जाए तो भी आप समझ लीजिए कि लीकेज है, देयर इज लीकेज, करंट अगर कुछ पाथ पाएगी, अगर तो करंट पाथ पाएगी तो इसका मतलब है फुल इंसुलेशन नहीं है, तो लीकेज भी हो सकता है, तो ये हो सकता है कि फुल्ली डैमेज ना हो, पार्शियली डैमेज हो सकता है, पार्शियली तब भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उतना वोल्टेज के लिए इंसुलेशन वो नहीं देगा। ये देखिए हम टेस्ट करते हैं, ये लाइव वायर है, लाइव वायर, इसमें करंट बह रही है, ये पिलर्स हैं, पोल हैं,
इनके बीच में हम क्या करते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। ये क्या है इंसुलेटर? तो इंसुलेटर जो है इंसुलेट कर रहा है कि नहीं, नहीं तो ये तार से सप्लाई आ जाए यहाँ खंबे में, और खंबे से आदमी जो है गाय वगैरह जानवर वगैरह आपस में वो सब जो है टच करते रहते हैं, उनको शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे आप मेगर लगा के चेक कर लीजिए, एक टर्मिनल यहाँ इसको जोड़ दीजिए T1, दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ दीजिए T2। अगर R का मान इनफाइनाइट आया इसका मतलब है कि इंसुलेशन है, इंसुलेटर सही है। जैसे आप खंबे में लगाते हैं, यहाँ नीचे ये खंबे में रहता है, यहाँ से तार जाता है यहाँ से, तो ये इंसुलेटर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं मेगर लगा के। ये देखिए बूशिंग चेक कर रहे हैं, इसमें इंसुलेशन दे रहा है कि नहीं। इंसुलेशन अगर प्रॉपर है तो आर का मान इनफाइनाइट आएगा, नहीं है तो आर का मान कम आएगा। यहाँ देखिए इंसुलेशन अगर है तो आर का मान इनफाइनाइट आएगा, अगर आर का मान जीरो आया या किलो ओम में आया इसका मतलब ये खराब है, डैमेज है। देखिए केबल वगैरह भी चेक कर लेते हैं हम, केबल के अंदर क्या होता है, तार होता है वायर, इसमें बहुत सी लेयर लगी रहती हैं, ये इनके बीच में इंसुलेशन है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं मेगर लगा के। यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, देखा यहाँ इंसुलेशन है कि नहीं, अगर है तो आर इनफाइनाइट आएगा। यहाँ लगा के चेक कर लो, अगर है तो आर का मान इनफाइनाइट आया। अगर कहीं इनफाइनाइट नहीं आ रहा इसका मतलब लीकेज है, लीकेज है तो केबल ख़राब है, डैमेज है, केबल डैमेज है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि वो केबल पंचर हो सकती है, शॉर्ट सर्किट कर सकती है। तो इस तरह से केबल वगैरह भी हम इंसुलेशन टेस्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए केबल का इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं, ये तार में लगाया, दूसरा बाहर लगाया और चला दिया मेगर को। अगर आर का मान इनफाइनाइट आया तो ओके है, इंसुलेशन है। अगर आर का मान इनफाइनाइट नहीं आया, जीरो आया या एक किलो ओम आया या कुछ आया, रेजिस्टेंस कम आया, तो इसका मतलब लीकेज है, लीकेज है तो केबल ख़राब है, केबल ख़राब है तो आप केबल को रिप्लेस कर दीजिए, वरना शॉर्ट सर्किट आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर के तीन फेज हैं, इनमें चेक किया जा रहा है कि तीनों फेज के बीच में इंसुलेशन है कि नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि तीनों फेज इंसुलेटेड हैं कि नहीं, या एक ही फेज के विभिन्न तार आपस में इंसुलेटेड हैं कि नहीं, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है एक ही वाइंडिंग में, या एक फेज से दूसरे फेज में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या कोर और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन है कि नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। तो इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हैं कि इंसुलेशन है कि नहीं है। ये ट्रांसफार्मर में भी चेक कर सकते हैं विभिन्न फेजों के बीच में, कोर के बीच में। ये क्या है, मोटर है या जनरेटर हो सकता है, इसमें भी फेज होते हैं अलग अलग, तो तीनों फेज आपस में अलग अलग हैं कि नहीं, कोई फेज कंटिन्यूस है कि नहीं है, कहीं तार बीच में तो नहीं टूट गया है, ये आप मेगर की मदद से चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, केबल की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहाँ क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ लगाइए मेगर T1 T2, अगर आर का मान इनफाइनाइट आया तो इसका मतलब दोनों तार अलग अलग हैं, अगर आर का मान इनफाइनाइट ना हो के जीरो आया या कम आया, किलो ओम में आया, इसका मतलब दोनों तार अंदर शॉर्ट कर रहे हैं कहीं पे। तो क्या करेंगे आप, पता करेंगे कहाँ शॉर्ट हो रहा है, उसको दूर करेंगे, केबल काट देंगे उतना, अन्यथा ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा आगे चल के और आपकी सप्लाई बाधित हो जाएगी। या आप चेक करना चाहते हैं कि ये तार यहाँ सप्लाई तो हमने सही जोड़ा है, लेकिन ये सप्लाई वहाँ दो फेज तो जा रहे हैं, दो फेज तो जा रहे हैं, तीसरा फेज नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये तार जो है वास्तव में कहीं बीच में टूटा तो नहीं है, क्योंकि केबल तोड़ के हम बीच बीच में थोड़ी चेक करेंगे। तो एक यहाँ लगाएंगे और दूसरा इसके अंतिम सिरे पर लगाएंगे T2, और देखेंगे रेजिस्टेंस का मान कितना आता है, कितना आना चाहिए। अगर आर का मान जीरो के आसपास आएगा या लेस, बहुत कम आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि कंटिन्यूस है, तार नहीं टूटा है। अगर इनफाइनाइट आ गया, समझ लीजिए कि तार टूटा है बीच से, तो अगला फेज नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब केबल बस्ट है, केबल अंदर से फटी है, पंक्चर्ड है,
केबल पंक्चर्ड हो सकती है, पंक्चर हो गई केबल तो सप्लाई नहीं जाएगी। तो आप इससे चेक कर सकते हैं मेगर की मदद से ये सब चीज़ें, या इस तार को आप सप्लाई करना चाहते हैं, इस तार को आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने बनाया तार, तो तार तो इंसुलेटेड है, इस पे बाहर से पीवीसी इंसुलेशन लगा रहता है। पीवीसी इंसुलेशन क्यों लगा रहता है? जिससे कि किसी को शॉक ना लगे, वरना तार तो अंदर है इसके, कापर का तार होता है अंदर, वो तो येलो कलर का होता है, पीला कापर पीला होता है, ये तो नीला दिख रहा है, तो ये तार नहीं है, ये तो पीवीसी इंसुलेशन है, इंसुलेशन तार इसके अंदर है, तो अंदर ये कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया, हो सकता है टूट गया हो कहीं, तो आप सप्लाई यहाँ भेज तो रहे हो लेकिन पहुँच नहीं रही है दूसरे सिरे पे, तो आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसमें, फिर तो लगाएंगे एक मेगर के यहाँ T1, दूसरा लगाएंगे T2 यहाँ दूसरे सिरे पे, कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए यहाँ पे? रेजिस्टेंस अगर R का मान इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ब्रेक हो रहा है, तार टूटा है, तो क्या आना चाहिए? इट शुड बी वेरी लेस। अगर बहुत कम आया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, तब तार टूटा नहीं है, तार ओके है, फिर आप इसको भेज देंगे, सप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से मेगर का यूज इन सब चीज़ों में होता है, हाई रेजिस्टेंस नापने में भी होता है, कंटिन्यूटी चेक करने में होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने में होता है, इंसुलेशन टेस्ट करने में चेक होता है, केबल वगैरह, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सब की इंसुलेशन, कोर की इंसुलेशन, तो बहुत से इंसुलेशन टेस्ट करने में भी मेगर का यूज होता है। सो देर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ मेगर इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।